हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 0 to 7 lakh सब्सक्राइबर्स की जर्नी कैसे तय की। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस स्टार्ट हुआ, अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन यहाँ तक का मैं आपको सफर बताता हूँ कि कैसा रहा, कौन कौन सी कंडीशनों को फेस करना पड़ा, क्या सिचुएशन रही थी, और वर्कआउट कहाँ पर करता हूँ, और अपने आपको स्ट्रांग कैसे कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में आप सबको मोटिवेट करने की काफी ज्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वैसे कोई भी एक बंदा भी कुछ सीख रहा है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो अभी वीडियो में आपका अंत तक बने रहो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैं आपको स्ट्रांग कर रहा हूँ। तो गाइज, मैं पिछले 4 ईयर से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन गाइज मुझे उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं लगी। तो मैं क्या करने लगा, मैं जो नॉर्मल वर्कआउट करता है बंदा, मैं उसको एक्सट्रीम लेवल के लेके जाने लगा। और मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि असली स्ट्रांग किसे बोलते हैं, स्ट्रांग मैन किसे बोलते हैं। लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उसे स्ट्रांग कहने लगते हैं, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होता। असली स्ट्रांग उसे बोलते हैं जो अपने आप को दर्द देता है, और उस दर्द को सहन करने के बाद उससे वो फील ही नहीं होता कि मुझे दर्द हो रही है उसको, चाहे जितने बार भी कुछ जो भी हो उससे कुछ फर्क नहीं। और गाइस, मुझे इतना स्ट्रांग बनना है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने भारत देश के लिए कुछ करना है। और गाइस, सोशल मीडिया पे मैं अपने वर्क को इसलिए नहीं लेके आया हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और भी सपोर्ट करते रहो, लेकिन मेन रीजन मेरा ये था कि आप मेरे टैलेंट को पहचाने, मुझे आगे बढ़ाएं, मेरी सपोर्ट करें, मुझसे मोटिवेट हों, मुझसे कुछ सीखें। मैं बस इसलिए अपने वर्क को लेके आया हूँ। और अभी आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी है आपने आगे भी। और गाइस, आप सबके काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो गाइस मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। और गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ पर वर्कआउट करता हूँ और कैसे अपने आपको स्ट्रांग कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा। और अभी चलते हैं हम पहले उस जगह पे जहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ और कैसे करता हूँ, क्या क्या मेरे पास चीजें हैं, वो सब कुछ दिखाऊंगा, अपनी सारी देसी चीजें। तो देसी चीजें भाई, सबसे पहले ये है हमारा पुल अप बार, देसी पुल अप बार है जहाँ पर हम पुल अप्स वगैरह करते हैं, और इसी के नीचे हमने सिलेंडर लगाया हुआ है जहाँ पर हम पंच की प्रैक्टिस करते हैं अपने हाथ को मजबूत करने के लिए। और जब भी ये पंच बजते हैं और उसके बाद हाथ पूरे सूज जाते हैं कुछ टाइम के लिए। और इसके बाद गाइस, हमारा ये डंबल है जिसका वेट 100 kg के आसपास है, और इससे हम डेड लिफ्ट वगैरह सीरा करते हैं, हमने खुद बनाया है घर पे। और ये सिलेंडर्स जो कि आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, हमने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं सिलेंडर से। और हम अपने वर्कआउट में टायर्स का भी यूज़ करते हैं। और गाइस, जो छोटा वाला डंबल है ये 4 ईयर्स पुराना है और उसका यूज़ हम अभी भी करते हैं। और गाइस, ये है वो बाइक जिससे मैंने बहुत बार उठाया, बहुत बार रोका हुआ और बहुत बार खींचा भी हुआ इसको, मतलब बहुत से कुछ किया हुआ इसके साथ। और अभी ये बहुत पूरी तरह से कबाड़ा बन चुकी है और इसका कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इंजन अभी बाकी है इसमें, लेकिन हम बहुत जल्दी इसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। गाइस, अब आप बोलोगे कि आपने क्या दिखाया, तो गाइस जो भी मैंने आपको दिखाया मैं बस उसी का यूज़ करके मैंने अपनी बॉडी बनाई है, और बॉडी से ज़्यादा मैं अपने आपको स्ट्रांग कर रहा हूँ। मुझे उन लोगों की इंस्पिरेशन बनना है जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं। तो गाइस, अभी आपका जो भी है, कुछ भी है, आप उसी का यूज़ करके एक अपनी रैली बना सकते हो अपनी। तो गाइस, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लाइफ में किसी भी जगह पे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस लाइफ में कभी हार मत मानो। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो और दुनिया में देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।